गुरुवार से देश में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। भारत में क्रिकेट की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है और जब इसके महाकुंभ का आयोजन भारत में हो रहा है तो फिर लोगों का उत्साह आसानी से समझा जा सकता है। इसके असर से भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्टर डोज मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि क्रिकेट विश्व कप मेजबान देश भारत की अर्थव्यवस्था को 2.4 अरब डॉलर यानी कि 22,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकता है। इसके असर से भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होने की उम्मीद। नवंबर के मध्य तक चलने वाले क्रिकेट के इस मेगा इवेंट के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों के भारत आने की उम्मीद। 10 शहरों में खेले जाने वाले मैचों में सबसे ज्यादा फायदा टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को मिलने वाला है। टूर्नामेंट के टिकटों की बिक्री, होटल में रुकने, रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ दूसरे खर्चों पर लगने वाला टैक्स सरकारी खजाने को 7 से 8 हज़ार करोड़ तक का फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट मैच दिखाने के लिए पब और स्पोर्ट्स बार वगैरह में बड़ी स्क्रीन की टीवी भी लगाई जाएगी, जिसमें लोग अलग से मैच का लुफ्त लेने के लिए डाइनिंग पर रकम खर्च करेंगे, जो सरकार को बतौर GST मोटी रकम दिलाने में मददगार हो सकता है। भारत में एंटरटेनमेंट, संस्कृति, रेस्टोरेंट और होटलों पर निजी खर्च कुल GDP का करीब 1.4% है। अनुमान है कि क्रिकेट विश्व कप से इसे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इससे फायदा मिल सकता है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों की नजरें इस बार वर्ल्ड कप पर लगी है। इसकी वजह भारत की 140 करोड़ की आबादी है, जो इन कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। ऐसे में वर्ल्ड कप के बहाने ये कंपनियां भारतीय कंज्यूमर्स को लुभाने के इस बड़े मौकों को पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश में है। इनमें टेक दिग्गज गूगल से लेकर ब्रेवरेज किंग कोका कोला और जापान की ऑटोमेकर निसान से लेकर कच्चे तेल की सरताज सऊदी अरामको तक शामिल है। क्रिकेट के इस महाआयोजन के साथ साथ भारत में इस बार त्योहारों का मौसम भी साथ साथ चलेगा। दशहरा से लेकर दिवाली तक सारे मुख्य त्योहार भी नवंबर के मध्य तक पड़ने वाले हैं। ऐसे में दुनिया भर की कंपनियां भारतीय बाजार में छाने के इस शानदार अवसर को छोड़ना नहीं चाहती है। फेस्टिव सीजन और वर्ल्ड कप के क्रेज को कैश करने के लिए कंपनियों ने 2,000 करोड़ रुपए तक का केवल विज्ञापनों पर खर्च करने की योजना बनाई है। पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले कंपनियां एक सेकेंड स्लॉट के लिए 40% ज्यादा रकम खर्च करेगी, जो कि करीब 3 लाख रुपए तक है। चीन में आर्थिक मंदी और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे भू राजनीतिक तनाव ने भी भारत को एमएनसीज के बीच बेहद लोकप्रिय बाजार बना दिया है। जिस तरह से ग्लोबल सुस्ती और घटते निर्यात के दौर में भी अपनी घरेलू खपत के दम पर भारत की आर्थिक ग्रोथ सबसे आगे दौड़ रही है, उससे भी दुनिया भर की कंपनियों के लिए यह एक बेहद आकर्षक बाजार बन गया है। भारतीय इकोनॉमी के अगले एक दशक में 5 और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का अनुमान भी हर किसी को यहां की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर रहा है। वैसे भी भारत में क्रिकेट का यहाँ के कुल मीडिया खर्च में 85% हिस्सेदारी है। यहाँ पर 15 अरब डॉलर से ज्यादा रकम खेलों के स्पॉन्सर्स और मीडिया एक्सपेंडिचर पर खर्च की जाती है, यानी कि 12.0 अरब डॉलर की रकम अकेले क्रिकेट की झोली में जाती है।